हेलो दोस्तों, और डिजिटल प्लानिंग अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस टैस्फिन लोन ऐप्स के बारे में। यहाँ पे हम दो लोन ऐप्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, और इन दो लोन ऐप्स की जो बात करेंगे कंपैरिजन के तौर पे भी कर सकते हैं, और ये आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो प्ले स्टोर पर आज के टाइम पर जो ऐप्स है इस टैस्फिन, वो क्या डिटेल मांग रही है और क्या यहाँ पर रिसेंटली चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस टैस्फिन के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, इस टैस्फिन ने जो अपने प्ले स्टोर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो है 1,000 से आप देख सकते हो 5 लाख रुपए तक का आपको क्रेडिट लाइन, ठीक है, क्रेडिट लाइन कार्ड देती है बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पर्सनल लोन मेंशन नहीं करा है, क्रेडिट देख सकते हो लाइन जैसे किस्त करती है। किस्त क्या कहती है कि हम कोई आपको लोन नहीं देते, पर्सनल लोन नहीं देते, बल्कि क्रेडिट लाइन देखते हैं। अगर आप इनका रिपेमेंट पीरियड देखोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे रिपेमेंट पीरियड, तो ये लिखा है 3 to 36 मंथ। अगर आपने इससे लोन लिया तो आप जानते हो कि रिपेमेंट पीरियड कितने दिन का है, 15 दिन का है या फिर 45 दिन का है, जिसमें 3 किस्तें हैं, जिसमें 3 क्या है इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ एक इन्होंने गड़बड़ करी है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल ये लिया हुआ है, ये जो एग्ज़ाम्पल जितना भी लिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐप्स ये ऐप्स यूज़ कर रहा होगा तो इसके बारे में ऑलरेडी जानते होगे कि इनकी जो कैसे वर्क करती हैं, कितना ज़्यादा ये अमाउंट जो है आपका इंक्रीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसमें ले चलता हूँ आपको, ये तो पता चल गया होगा आपको कैसे वर्क करती है ये। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके और आगे। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक तरीके से रिव्यू वीडियो देख सकते हो। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, नहीं भी होगी तो भी बहुत लोगों को मिला है। प्रूफ होना चाहिए आधार कार्ड का, जैसे कि एड्रेस प्रूफ के लिए पैन कार्ड आईडी होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जीएसटी पेपर, आईटीआर, इसकी ज़रूरत तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी से लेते हैं। ये बात करें तो यहाँ पे इनका कहना है कि हम 20 से ज़्यादा सिटीज़ पर वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं इनके परमिशंस पे कि ये ऐप्स जो है परमिशन कौन सा लेती हैं। तो अगर आप परमिशन पे देखोगे तो ये परमिशन देखते हैं कॉन्टेक्ट कैमरे की लेते हैं। ठीक है, ये कैमरे की परमिशन ले रहे हैं आपसे, पहली कॉन्टैक्ट की परमिशन ले रहे हैं, जो कि बहुत सारी ऐप्स अब नहीं लेती है कॉन्टैक्ट की परमिशन। अगर आपको पता होगा तो ज़्यादा लोग जो परेशान होते थे वो इन कॉन्टैक्ट की परमिशन की वजह से ही होते थे। तो ये कॉन्टैक्ट की परमिशन, अगर मैं अभी आपको एक दो ऐप्स दिखाने वाला हूँ जिसमें ये कॉन्टैक्ट वाली जो परमिशन है वो बहुत सारी ऐप्स नहीं लेती। अगर बात करते हैं लोकेशन की तो लोकेशन हो सकता है एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए ले सकते हो। यहाँ पे आपका माइक्रोफोन से आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आपकी फ़ोन स्टेटस रीड कर सकते हैं आपका। ठीक है, और आइडेंटिटी फ़ोन की, और SMS भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज जो आपका मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और ये हर ऐप्स कर सकती है। कोई भी ऐप्स का अबाउट सेक्शन देखोगे तो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो ये ऐप्स थी दोस्तों। अब मैं यहाँ पे आपको एक और ऐप्स दिखाने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा वो ऐप्स कॉन्टैक्ट नहीं ले रही इस टाइम पे, और ये अगर लोन ऐप्स के मामले में बात करी जाए तो फेमस है। और एक चीज़ और, ये जो इसमें जो ये वाली ऐप्स थी टैस्फिन, इसने कहीं भी अपना फ्रंट लाइन पे NBFC मेंशन नहीं करा है, आपको कहीं भी इसका NBFC नहीं दिखेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे ये, ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे ये जो है ये क्रेडिट भी है ऐप्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले इसने मेंशन करा है, ये ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे मेंशन करा है इसने कि हमारी जो प्राइमरी पार्टनर है, इन्होंने साफ साफ मेंशन करा है जो हमारी जो प्राइमरी पार्टनर NBFC है वो क्रेजी बी जो है सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हमारी जो है वो कंपनी है। ठीक है, मतलब NBFC है। ठीक है, और जो क्रेडिट भी एक ब्रांड है, इन्होंने ये मेंशन करा है जो कि अच्छी बात है। और इनका जो लोन है वो आपका up to 2 lakh rupees तक का है। ठीक है, और ये कैश ट्रांसफ़र इन्होंने लिखा, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। ठीक है, और ये भी इन्होंने देखो यहाँ पे मेंशन भी करा है, ये पर्सनल लोन भी है और क्रेडिट प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करी है जो कि सही है यहाँ पे। अब मैं आपको डायरेक्ट इनकी परमिशन दिखाऊँ अगर, तो ये कौन सी परमिशन लेते हैं आपसे लोन देने से पहले, तो ये हम परमिशन में आ चुके हैं। तो देख सकते हो कैमरा जो कि टैस्फिन भी ले रही थी, लोकेशन जो कि लेती थी, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट का नहीं दिखेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे ये
ये स्टैस्फिन का देखोगे अगर, तो ये कॉन्टैक्ट का परमिशन आपसे ले रही है। देखो ध्यान से, ये कॉन्टैक्ट का परमिशन आपसे यहाँ पे ले रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रेडिट बी की, तो क्रेडिट बी जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट की परमिशन नहीं लेती है। एक तरीके से हम रिव्यू कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप गलत समझ रहा होगे अगर, तो आपको मैं क्लियर कर दूँ। बस मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अलग तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। माइक्रो फ़ोन वो भी मांग रही थी, ये भी मांग रहा है। फ़ोन के स्टेटस वो भी, ये भी SMS वो भी, ये भी। और तकरीबन देखोगे तो ये जो है आज के टाइम पे जितनी भी ऐप्स है ये चीज़ें मांगती हैं, चाहे आप कोई भी ऐप्स जो है प्ले स्टोर पर उठा के देख लो। लेकिन जब हम लोन ऐप्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आती थी वो आती थी कॉन्टैक्ट से। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी वो आती थी कॉन्टैक्ट हैकिंग से, कि उनका कॉन्टैक्ट हैक कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई है, किसको लेके, स्टैस्फिन को लेके, कि स्टैस्फिन ने जो है लोन अमाउंट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टैस्फिन का हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है कि इनका जो अमाउंट है देने का, इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनका जो अमाउंट है देने का देखो ये कितना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अमाउंट है 10,000, देख सकते हो 10,964 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट देखो कैसे इन्होंने मेंशन करा है, कितना है प्रिंसिपल अमाउंट, 0 रुपये, ठीक है। इन्होंने देखो मेंशन कैसे करा है यहाँ पे, यही चीज़ें गलत लग रही हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट अमाउंट है 0 रुपये, ठीक है। और देखो लेट पेमेंट फ़ीस कितनी ज़्यादा है, 3,839, जबकि उसने लिया था कितने रुपये का, मैं बता दूँ आपको, 3,000 रुपये उसके अकाउंट में आए थे, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ीस ये लोग 0 रुपये मेंशन कर रहे हैं। और ओवरड्यू फ़ीस कितनी ले रहा है, 7,134। क्या लेट फीस इतनी ज़्यादा होती है। EMI अमाउंट आप देख सकते हो 10,964 रुपये। और ठीक एक दिन बाद, अगर आप ठीक एक दिन बाद देखोगे तो इनका जो है 10,964 है एक दिन। और उनसे कस्टमर केयर से जब बात करी जाती है तो बोलते हैं आप सिर्फ जितना लिए उतना पे कर दो। तो देखो 11,033 रुपये ठीक एक दिन बाद हो जाता है। जब इन्होंने पे भी कर दिया उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ अपडेट नहीं करी जाती है ऐप्स में। अगर आप पे कर देते हो तो ये चीज़ अपडेट नहीं करी जाती है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है लोगों को कि अगर आपका कस्टमर केयर बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी लेकिन फिर भी अपडेट नहीं होता है, तो उस केस में कौन जिम्मेदार है इसका, ठीक है। तो इसके लिए हमने ट्विटर में आवाज़ भी उठाई है, आप जाके हमारे ट्विटर आईडी को जो है फॉलो कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते हमारे ट्विटर आईडी क्या है तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं हमारा ट्विटर आईडी क्या है। तो जो हमारा ट्विटर आईडी है आप सर्च कर सकते हो, अब डिजिटल बनेगा इंडिया। अब क्या सर्च कर सकते हो आप, अब डिजिटल बनेगा इंडिया सर्च कर सकते हो। ये सीधे सीधे आपको सीधे लिख देना @बनेगा अब। आप ये चीज़ें सर्च कर लोगे तो हमारी आईडी यहाँ पे मिल जाएगी, आप हमें फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे, ठीक है। तो ट्विटर में आप हमें फॉलो करो, फॉलो अस ऑन ट्विटर, वहाँ पे हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। या तो आप सर्च कर सकते हो अब डिजिटल बनेगा इंडिया, या फिर आप सीधे सीधे @ लगा के बनेगा अब हमें टैग कर सकते हो इस नाम से। वीडियो आपका यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा।